नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप सभी का स्वागत है मिस्टर ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक बिल्कुल ही नए टाइप के फ्रॉड की जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि आपके मोबाइल की सिम को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद ना तो आपको मोबाइल पर आने वाले OTP पता चलते हैं और ना ही अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं ना ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब तक आपको सारी चीज़ समझ में आती है तब तक आपके सारे पैसे लूट चुके होते हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप जाते रहिए बैंक में धक्के खाते रहिए या फिर आप पुलिस के चक्कर काटते रहिए, क्योंकि फिर भाई परेशानी ही परेशानी है। पैसे भी वापस आए या ना आए इसके बारे में भी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, जरूरी है सावधानी पहले बरती जाए। तो आज मेरे पास व्हाट्सएप पर इसके बारे में एक पूरी डिटेल आई हुई है कि किस तरह से सिम को हैक कर लिया जाता है और किस तरह से आपने इससे बचना है। इस पूरी चीज़ को ध्यान से सुनने के बाद मैं आपको अपनी तरफ से भी एक दो टिप्स दूंगा, वो भी आपने फॉलो करने हैं और अपने सभी फैमिली मेम्बर रिलेटिव और फ्रेंड्स को इस चीज़ की जानकारी देनी है, ताकि किसी का भी बैंक में अपनी मेहनत से पैसा जो कमाया हुआ है वो ना लूटे। तो मैं अब आपके साथ ही सुनता हूँ इसको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, विक्रम सिंह। दोस्तों, एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। एक बात सामने आई है मेरे फ्रॉड के लिए कि एक नया तरह का फ्रॉड आ चुका है मार्केट में, तो कैसे सावधान रहें उसके बारे में आपको बताना है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आजकल एक कॉल आप लोगों के पास आता है, जैसे आप कोई भी कंपनी का नंबर यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, कोई भी, तो जो भी बंदा कॉल करेगा आपको उसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताएगा। जैसे मान लीजिए एयरटेल का कॉल आप नंबर यूज़ करते हैं तो आपके पास कॉल आएगा, बोलेगा कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ और आपका नंबर बंद करने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, सर इस नंबर को बंद कर दें। हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि आपका नंबर लॉस हो चुका है, गुम गया है, खो गया है। तो आप बोलोगे नहीं सर, फ़ोन तो मेरे पास है, ऐसा तो मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी आप लोगों को। फिर वो बंदा आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको समझाएगा और आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पे कि आप ही के किसी रिश्तेदार ने या किसी फ्रेंड ने कोई मजाक किया है, आपका नंबर बंद करवाने के लिए कॉल किया था कस्टमर केयर पे। आप बोलेंगे नहीं सर, नंबर तो मुझे चालू रखना है। वो बंदा बोलेगा ठीक है, अगर आपको नंबर चालू रखना है तो कुछ डिटेल आपसे मांगेगा। वो बोलेगा कि आप अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। आप बोलोगे सर आपके पास तो होगा। वो बोलेगा हमारे पास तो है लेकिन आप मैच नहीं करवाएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो आप सोचोगे नाम एड्रेस में क्या फ़र्क आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बता देंगे। उसके बाद बंदा बोलेगा ठीक है आपकी डिटेल मैच हो गई है, चाहे आपने गलत ही क्यों ना बताया हो, वो आपको बोलेगा आपकी डिटेल मैच हो गई। अब असली कहानी शुरू होती है, कृपया ध्यान दें। वो बोलेगा कि आपके पास एक मैसेज आएगा, अभी आप उस मैसेज को 1-to-1 पे फॉरवर्ड कर दें। सबको पता है कि कस्टमर केयर नंबर किसी का 198 तो सबका ही है, और 1-to-1 जो है वो कस्टमर केयर नंबर जो है ऑलमोस्ट सारी कंपनी का है। तो मैसेज आपके पास आएगा, आप उस 1-to-1 पे वो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास एक मैसेज और आएगा, उसमें लिखा होगा कि आप अपने नंबर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रेस 1 प्रेस कीजिए, रिप्लाई में 1 प्रेस करके आप दोबारा सेंड कीजिए, नहीं करना चाहते 2 प्रेस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप 1 प्रेस करके उसको 1-to-1 पे सेंड कर देंगे। जितनी टाइम पे आप उस बंदे से बात कर रहे होंगे जो अपने आप को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताएगा, उस बंदे ने, उसकी टीम ने आपके मोबाइल को, आपके मोबाइल नंबर को हैक किया होगा। जैसे ही आप 1 वाला यस वाला मैसेज करेंगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, आउटगोइंग इनकमिंग फैसिलिटी आपकी बंद हो जाएगी, आपकी सिम जिस पे वो नंबर चल रहा है वहाँ से वो नंबर उड़ जाएगा और वो नंबर उन बंदों के पास पहुँच जाएगा जिन्होंने आपको कॉल किया था। अब आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा नंबर बंद हो गया क्या करूँ, तो आपको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगेगा, क्योंकि आप घर से जाएंगे किसी भी सर्विस कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या जियो, वहाँ पे जाएंगे, आपका नंबर हैंड टू हैंड चालू हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी जाते हैं, मिनिमम घंटा भर तो लगता है घर से निकलने में, सारी तैयारी करने में, पहुँचने में, ये इस बात को समझने में 1 घंटा लग जाता है कि मेरा नंबर कैसे बंद हो गया। हम दूसरी सिम से कस्टमर केयर पर कॉल करने लग जाते हैं। तो अब होगा क्या कि जिन बंदों ने आपका नंबर चुरा लिया है, उसकी क्लोनिंग कर ली है अपने पास, वो वेरीफाई कर लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर कितने बैंक अकाउंटों पे रजिस्टर्ड है।
वेरीफाई करने के बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों से OTP आता है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और मोबाइल नंबर उनके पास होगा, तो वो OTP ले लेकर सारे पैसे आपके निकाल देंगे, आपके अकाउंट में वो शून्य जीरो कर देंगे। तो ध्यान रखें, कोई भी जानकारी किसी भी तरह की किसी को ना दें। OTP या कोई भी कंपनी से मैसेज आता है कि एयरटेल से बोल रहे हैं, वोडाफोन से बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे करके आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, तो वो ना कीजिए। थैंक यू सो मच, खुश रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर विक्रम जी का कि उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लोगों के लिए शेयर की है अवेयरनेस के लिए। और इसके अलावा मैं आपसे अपनी तरफ से ये टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही कहकर फ़ोन आए कि आपका नंबर जो है बंद करने की रिक्वेस्ट आई है, आपके पास ये कह के भी फ़ोन आ सकता है कि आपके मोबाइल पर नेटवर्क कम आता है। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके मोबाइल पर नेटवर्क की कमी रहती है थोड़ा, तो उस वजह से भी कस्टमर केयर वाले बनकर नकली बंदा आपके पास फ़ोन कर सकता है कि आपका नेटवर्क बढ़ा दिया जाएगा, आपको बस अपने मोबाइल में एक दो ज़रूरी स्टेप फॉलो करने हैं, एक दबाना है, कुछ भी दबाना है। तो कहने का फ्रेंड्स मुद्दा ये है कि कोई कुछ भी कह के आपको अपनी ऐसी तैसी करवा ले, उसको बोलो कि भाई तू भाड़ में जा, मैं तेरे को कोई भी एक भी जानकारी शेयर नहीं करने वाला हूं। इस जरूरी जानकारी को फ्रेंड्स अपने हर रिलेटिव और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि कोई लूटने से पहले इस जानकारी को ले ले। क्योंकि मेरे पास मोस्टली ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, वो पहले लोग सब इस तरह से अपनी ठगी का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद मुझे इसका हल पूछते हैं कि सर मैं इसका क्या करूँ। क्योंकि फिर फ्रेंड्स इसका कोई भी समाधान नहीं होता इन चीज़ों का। तो ज़रूरी है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपने हर जानकार के पास पहुँचाएँ, यानी कि अपने देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप ऐसी जानकारियां हर किसी के पास जरूर पहुंचाएं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को सुगेस्ट करे। और अगर आप पहली बार मिस्टर ग्रोथ चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो वो वीडियो आपकी मिस ना हो। और हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।